हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पावर ऑफ माता सीता। आपके मन में ये चल रहा होगा, सीता मैया के उसमें बहुत शक्ति था, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कितना शक्ति था इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? 90% लोगों को पता नहीं होगा। आपके मन में ये चल रहा होगा और बहुत लोग अपने मन में ऐसा सोचते हैं, अगर सीता मैया के उसमें पावर था तो रावण कैसे उठा के लेकर चला गया? वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। और सीता मैया ने अपने पावर को शो क्यों नहीं किया, वो भी आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मन में जो भी डाउट उठ रहा है ये वीडियो देखने का क्लियर हो जाएगा। आज का स्टोरी उस समय का है जब राम जी और सीता मैया का शादी हो गया था, और शादी करने का जब पहला बार राम जी और सीता मैया अयोध्या आए थे, जैसा कि सब लोगों को पता है नई नवेली दुल्हन होती है उसे पहला बार खाना बनाना पड़ता है, कुछ मीठा वो बनाती है। और ग्रंथों में लिखा गया कि सीता मैया ने खीर बनाया था। खीर बनाने के बाद परिवार के हर सदस्य को परोसा गया। जब सीता मैया ने उस खीर को राजा दशरथ के सामने परोसा तो सीता मैया क्या देखती है? सीता मैया देख रही है खीर में एक छोटा सा टिंका गिरा हुआ है। ये देखने के बाद सीता मैया बहुत ही चौंक जाती है, लज्जित हो जाती है, उनके मन में कुछ चलता नहीं है। सीता मैया के मन में यही चलता है, मेरा पहला रसोई है और यहाँ पे टिंका गिर गया है, ये लोग क्या सोचेंगे। सीता मैया अपने दृष्टि से उस टिंका को देखती है और कहा जाता है वो टिंका उसी में भस्म हो जाता है। पर राजा दशरथ ये सब दृश्य देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है, उनके मन में चलता है ये कोई आम नारी नहीं है। जब सभा खत्म हो जाता है सब अपने अपने कक्ष में चल जाते हैं। राजा दशरथ माता सीता को अपने कक्ष में बुलाते हैं और कहते हैं, पुत्री तुमने जो भी किया मैंने आज देखा, इससे मुझे ये पता चल गया तुम कोई आम नारी तो हो नहीं। मैं तुमसे बस इतना वचन मांगना चाहता हूँ, तुम कृपा करके अपने दुश्मन को भी उस दृष्टि से मत देखना, वरना वो भी भस्म हो जाएगा। सीता मैया ये वचन राजा दशरथ को दे देती है। सो फ्रेंड, आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपको चलिए मैं पूरा क्लियर करता हूँ। जब रावण सीता मैया का हरण करके लंका लेकर चल गए थे, सीता मैया चाहती तो रावण को एक बार में भस्म कर सकती थी, पर एक बार आप सोच के देखिए, सीता मैया यहाँ पर वचनबद्ध थी, इसीलिए सीता मैया ने उस दृष्टि से रावण को देखा नहीं। पर एक बार आप ध्यान से सोच के देखिए, आपने रामायण में एक चीज गौर किया होगा, सीता मैया के पास में जब भी रावण आता था वो एक टिंका उठा लेती थी और टिंका उठा के अपने और रावण के बीच में रख देती थी। वहां पे सीता मैया ने क्या कहा था, ये जो टिंका है ये मेरे और तुम्हारे बीच का एक दीवार है, इसलिए इसे लांघने या कोशिश मत करना, क्योंकि इसके पीछे का कारण आपको पता चल गया होगा। ऐसा सीता मैया ने वहां पर क्यों कहा था इसके बारे में आपको जानकारी नहीं था, पर इसके पीछे का जो कारण था, जो मोटिव था, यही था। सीता मैया के मन में जब भी गुस्सा आता था, सीता मैया के पास जब भी रावण आया करते थे, वो टिंका लेकर सामने रख देती थी। सीता मैया के मन में यही चल रहा था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसे उस दृष्टि से देखूंगी तो ये भस्म हो जाएगा। पर सीता मैया राजा दशरथ को जो पहले से वचन दे चुकी थी, उसी कारण वो टिंका को सामने रखती थी कि वो अपने वचन को भूल ना जाए और उस दृष्टि से वो रावण को देख ना ले। शायद अब आपको ये पता चल गया होगा कि सीता मैया के अंदर में क्या शक्ति था, क्या पावर था। सीता मैया तो स्वयं लक्ष्मी के अवतार थी, तो सीता मैया के पास में क्या पावर नहीं होगा? यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी इंसान को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर में क्या शक्ति है, क्या पावर है, इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो मन होता है वो पानी की तरह गहरा होता है। जैसे एक शांत पानी को देखकर हम ये नहीं कह सकते वो कितना गहरा होगा, कोई भी इंसान को देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि उसके अंदर में क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या बल है। आज के समय हर इंसान जो बल मानते हैं वो शरीर का मानते हैं, पर सदियों से ये चला आ रहा है शरीर का बल बल होता ही नहीं है, यही इंसान को पता नहीं है। आज के लोग ये सोचते हैं हम अगर बॉडी बना लेंगे हमारे पास बहुत शक्ति आ जाएगा, पर ये जो शक्ति है इसका जो खात्मा यहाँ पे होता है वहां से मन का जो पावर होता है वो स्टार्ट होता है। ये बात अपने लाइफ में कभी भूलिएगा मत। इसीलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब कुछ आपको मन करवाएगा, आपका बॉडी नहीं करवाएगा। अब आपको क्या करना है ये बस आपको सोचना है, और इस दुनिया में किस प्रकार से हर काम को सॉल्व करना है ये आपको देखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे पहली बार लाइक शेयर करें। थैंक यू।